गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ तथा शाक्य मुनि इन नामों से पहचाना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के सूत्र आज भी बड़े पैमाने पर स्वीकृत किए जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को शांति एवं अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल में स्थित है। आपके पिताजी का नाम शुद्धोदन तथा माताजी का नाम महारानी महामाया था। बुद्ध इस शब्द का अर्थ है आसमान जितने प्रचंड ज्ञानी। ये उपाधि गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त की है। गौतम बुद्ध मनोविजयी थे, सर्वज्ञाता थे। आप हमेशा शांत एवं प्रसन्न रहा करते थे। आपके आसपास के लोग प्रसन्नता का लाभ उठाया करते थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो गौतम बुद्ध को सम्मान न देकर उनको अपमानित करना चाहते थे। एक ऐसा ही आदमी एक बार गौतम बुद्ध के पास आया और बहुत गुस्से से चिल्लाने लगा और उन्हें अपमानित करने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे, जबकि वहां उपस्थित लोग बेचैन हो उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गौतम बुद्ध बिल्कुल भी विचलित न हुए। वो आदमी देर तक गालियों की बरसात करता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद वो थक कर रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर गौतम बुद्ध की ओर देखने लगा। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए उसकी ओर देखा और शांति से पूछा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वो और गुर्राया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें अगर किसी ने कोई चीज भेंट की है और तुम इसे स्वीकार ना करो तो वो भेंट किसकी हुई, उसका स्वामी कौन हुआ? गौतम बुद्ध ने कहा, इतना भी नहीं समझ सकते? आसान है, वो चीज उस देने वाले की ही होगी। अगर मैंने तुम्हारी ये गाली गलौज स्वीकार करने से इनकार किया तो वो किसकी हुई? वह आदमी सुन्न हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया। इसीलिए हमेशा ख्याल रखना जरूरी है कि दुनिया में कोई हमसे क्या कहेगा, इसे हम काबू में नहीं रख सकते, किंतु उस अच्छे या बुरे वचनों को स्वीकार करना या न करना ये पूरी तरह हम तय कर सकते हैं। ऐसी सीख देने वाले इस महान विभूति ने 80वें बरस ईसा पूर्व 483 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। गौतम बुद्ध की एक और हमें चकित करने वाली कहानी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का शाब्दिक अर्थ होता है उंगलियों की माला। पुराने जमाने के मगध राज्य में एक गांव की कहानी है ये। इस गांव के सभी लोग बहुत डरे और सहमे रहते थे, क्योंकि पास वाले जंगल में एक भयंकर डाकू का निवास था। वह किसी भी व्यक्ति को मारकर उसकी उंगलियों को काट लिया करता था। ऐसी उसने 99 उंगलियों की माला गले में पहन रखी थी, इसीलिए उसे उंगलीमाल नाम से पहचाना जाता था। एक दिन जंगल के पास वाले उसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। लोगों ने आपको प्रणाम किया, आदर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद भगवान बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों रहते हो? लोगों ने आपको अंगुलीमाल की कहानी बताई। उसे सुनते ही भगवान बुद्ध ने उस जंगल के पास जाना तय किया। लोगों ने जैसे तैसे आपसे प्रार्थना की, स्वामी जी उधर जाना खतरे से खाली नहीं, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, तभी तो मेरा उधर जाना जरूरी है। भगवान बुद्ध वन की ओर बढ़ चले। कुछ देर बाद आप जंगल में पहुंच गए। महात्मा के वेश में
अकेले आदमी को शांत आते देखकर अंगुलीमान को आश्चर्य हुआ। वह मन में सोचने लगा, अब इसे खत्म करके मैं अपने गले की माला को 100 अंगुलियों की बनाऊंगा। बुद्ध चल रहे थे, अंगुलीमान उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, पर वह आपको पकड़ने पाया। तब जाकर वह चिल्लाया, अरे मुसाफिर रुक जा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध बोले, तू मुझे रोकने के लिए कह रहा है? मैं तो रुका ही हूं, स्थिर हूं, एकदम स्थिर। अंगुलीमाल बोला, कुछ भी बकवास मत करो, लेकिन तुम साहसी लग रहे हो। इस जंगल में आकर मुझ जैसे शूरवीर से डर भी नहीं रहे हो। भगवान बुद्ध बोले, अगर तुम अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मान रहे हो तो एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर लाना जरा। अंगुलीमान कुछ पत्ते तोड़ लाया। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा, अब जरा इनको पेड़ पर जोड़ाओ। अंगुलीमान ने कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं, एक बार कटी हुई या तोड़ी हुई चीज फिर से जोड़ी नहीं जा सकती। बस, भगवान बुद्ध बोले, वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम कोई चीज जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। किसी को जीवन देने की क्षमता ना हो तो उसे मारने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध के ऐसे शब्दों को सुनकर अंगुलीमान पिघल गया। उसने उसी क्षण अपना शस्त्र नीचे छोड़ दिया और बोला, आज से मैं किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं करूंगा, मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दीजिए। वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल को भगवान ने उठाया और उसके पश्चात अंगुलीमान सन्यासी बन गया। इस कहानी का बोध यह है कि उचित मार्गदर्शन होने पर आदमी दुष्कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लग जाता है।